मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो मैंने स्पेशली उन सी स्टूडेंट के लिए को ध्यान में रख करके बनाया है जो लोग सीए एग्जामिनेशंस में एक अटेम्प्ट में पास नहीं कर पा रहे या मल्टीपल अटेम्प्ट लग रहे हैं। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं या ये आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि बेसिकली वो पैरामीटर क्या है। हम लोग एक बार ठंडे दिमाग से सोचे कि वो बेसिक पैरामीटर क्या है जिस पैरामीटर को ध्यान में रख करके ICAI रिजल्ट डिक्लेयर करता है पास या फेल। अगर हम सही तरीके से देखें तो हम ये अक्सर देखते हैं कि जो लोग भी जो स्टूडेंट भी सीए एग्जामिनेशंस में अपीयर कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके गए। ये बाकी अदर गवर्नमेंट वैकेंसी के जैसा नहीं है कि कोई भी इंसान विदाउट प्रिपरेशन के कोई भी इंसान फॉर्म फिलअप किया और जाकर के एग्जामिनेशन हॉल में अपीयर कर गया जस्ट ये देखने के लिए कि चल भाई एक बार देख लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। क्यों नहीं, क्या सच में सीए स्टूडेंट भी एग्जामिनेशंस में इसी तरीके से अपीयर करते बस फॉर्म भर दिया तो चलो एग्जामिनेशन में बैठ जाते हैं देख लेते हैं कि क्या होता है? नहीं, जो लोग भी वहां अपीयर कर रहे होते हैं वो लोग सारे के सारे लोग अपना प्रिपरेशन अपना 100% एफर्ट दे के रखते हैं। ऐसा नहीं, अगर कोई स्टूडेंट का प्रिपरेशन में 10-15% की भी तैयारी में कमी मिलती है तो वो 11th आवर में एग्जामिनेशंस को ड्रॉप करते हैं कि सर इस अटेम्प्ट में हम नहीं दे सकेंगे, मेरा प्रिपरेशन सही नहीं निकला। हम लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट में सोचे हैं कि चलो अगले अटेम्प्ट में हम अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो इसका मतलब तो एकदम साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर कि जो लोग भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठ रहे हैं उन सारे लोगों का प्रिपरेशन एकदम परफेक्ट है। फिर ऐसा क्या रीजन है कि इस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए जस्ट सर्टेन लोगों का एग्जामिनेशन का रिजल्ट ही पास हो गए, सर्टेन कैंडिडेट ही पास हो गए और मैक्सिमम कैंडिडेट फेल? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका मल्टीपल अटेम्प्ट लग चुका है और यहाँ तक कि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन लोगों का अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगता जाता है और फाइनली फ्रस्ट्रेटेड होकर के वो सीए कोर्स को ही छोड़ देते, लेफ्ट आउट कर देते कि नहीं ये बहुत समय मैंने गवाया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग एक अटेम्प्ट में थ्रू आउट सीए फाउंडेशन से लेकर के फाइनल स्टेज तक थ्रू आउट निकल देगा। मेरा केवल एक चीज एक सवाल आप सभी से है कि ICAI का वो पैरामीटर क्या है, वो पैटर्न क्या है, ICAI आपसे क्या चाहता है, क्या उसका स्टैंडर्ड है जिसको फुलफिल आप नहीं कर पा रहे? अगर वो स्टैंडर्ड को आप फुलफिल करेंगे तो आपका रिजल्ट एक अटेम्प्ट में होगा। तो वो क्या बेसिक पैरामीटर है? क्या सच में ICAI आपके साथ दुश्मनी निभा रहा है? नहीं। तो फिर वो बेसिक पैरामीटर क्या है, वो बेसिक स्टैंडर्ड क्या है जिसको फुलफिल नहीं करने के कारण आप फेल हो जाते हैं और वैसे स्टूडेंट जो इस स्टैंडर्ड को फुलफिल कर रहे हैं वो एग्जामिनेशन को पास करते हैं? वो स्टैंडर्ड को समझने की जरूरत है, वो पैरामीटर को समझने की जरूरत है, वो वे को जानने की जरूरत है। अगर आप उस वे उस मैनर को समझ लेते हैं तो मेरा ये गारंटी है कि ICAI का एग्जामिनेशन आप एक अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। आप ठंडे दिमाग से ये बात को सोचिए समझिए और अगर आपको नहीं लगता है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। गाइडलाइन क्या है? मेरा प्रिपरेशन तो ठीक है, हमने मेहनत किया है, सारे सब्जेक्ट पे एफर्ट डाला है, उसके बावजूद भी फेल कर रहे हैं, बार-बार फेल कर रहे हैं, बार-बार अटेम्प्ट लग रहा है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मनोज कुमार मिश्रा, और बाकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पे दिख रहा हूं। थैंक यू।